IPL का 16वां मैच होने वाला है किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों के बीच, और आज इस वीडियो में जानिए कि किस तरह का मैच प्रीव्यू रहने वाला है, कौन कौन से 11 खिलाड़ी दोनों ही टीमों की तरफ से खेलेंगे, और साथ ही कौन इस मैच को जीतने का एक ब्राइट चांस रखता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाजों की। तो किंग्स इलेवन पंजाब के पास अच्छी खासी बल्लेबाजी मौजूद है। नंबर 7 पर इनके पास रविचंद्रन अश्विन मौजूद रहेंगे, तो ये तगड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ उतरने वाले हैं इस मैच में। उसके अलावा इनके पास एरन फिंच है, इनकी जो मजबूत पक्ष है ये यही रहने वाला है। क्रिस गेल, लोकेश राहुल, करुण नायर, ये इनकी ताबड़तोड़ बैटिंग लाइनअप है। उसके अलावा इनकी जो गेंदबाज है वो भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इनकी गेंदबाजों ने पिछले मैच में रन्स डिफेंड किए थे। हालांकि एक चेंज करने की कोशिश ये करेंगे, शायद ये अक्षर पटेल को टीम में वापस लाने की कोशिश करें। अब वो किसके स्थान पर होगी ये शायद अभी तक तय नहीं है। अगर बरिंदर शॉ के स्थान पर होगी तो फिर एक तेज गेंदबाज कम हो सकता है, तो ये यहाँ पर एक कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी गेंदबाजी ऐसी ही रहने वाली है। मोहित शर्मा भी वहां पर मौजूद होंगे, और मुजीबुर रहमान इनका फिर से ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है पूरी प्लेइंग 11। तो इस तरह की प्लेइंग 11 लेकर ये उतरने वाले हैं। अगर इन्हें जीतना है तो क्रिस गेल को चलना होगा, उसके अलावा केएल राहुल और एरन फिंच को भी उस बैटिंग लाइनअप को संभाल कर रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। भाई बहुत तगड़ी टीम इन्होंने बना ली है, पहले मैच से इनके पास बैलेंस मौजूद है, और अगर आपके पास बैलेंस है इंडियन प्रीमियर लीग में तो आप पूरी लीग जीत सकते हैं, ये अभी तक का आईपीएल का इतिहास बताता है। इनके बल्लेबाजों की बात करें तो इनके पास भी नंबर 7 नंबर 8 तक बल्लेबाजी मौजूद है। आप अभी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस तरह की इनके बैटिंग लाइनअप रहने वाली है। हैवीली डिपेंडेंट रहेंगे ये लोग शिखर धवन पर, उसके अलावा मिडिल ओवर में भी इनके पास शाकिब अल हसन है, वहां पर भी ये परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। यूसुफ पठान को भी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी इस तरह की बल्लेबाजी से उतरेंगे। लेकिन इनका जो मजबूत पक्ष है वो है इनकी गेंदबाजी, जो आप अभी देख पा रहे हैं। इसी गेंदबाजी के दम पर भाई इन्होंने 2016 में जो है वो कप जीता था, और इस दफा भी ये दावेदारी ठोक रहा है। भुवनेश्वर कुमार है, राशिद खान है, सिद्धार्थ कौल है, बिली स्टेनलेक परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, जो कि बहुत जरूरी हो जाता है सारे गेंदबाजों के साथ में। चलो ये 11 खिलाड़ी इनकी टीम में उतरने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के खिलाफ। मैच होने वाला है भाई मोहाली में, तो थोड़ा सा जो क्राउड सपोर्ट है वो मोहाली और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को मिल सकता है। पिछला मैच ये लोग यहाँ पर जीते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट किंग्स इलेवन पंजाब को मिल सकता है। अगर हम मैच प्रिडिक्शन करने की नहीं, मैच में ये जानने की कोशिश करें कि किसका पलड़ा भारी, क्योंकि प्रिडिक्शन तो भाई आजकल ऐसा हो गया है कि प्रिडिक्शन मतलब मन से तुक्का, तो प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं मैं, बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। तो अगर हम किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ देखें तो इन्होंने पिछला मैच जीता था, सीएसके को हराया था, थोड़ा बहुत मोराल इनका आप होगा, लेकिन ये सामने सनराइजर्स हैदराबाद के हैं। सनराइजर्स हैदराबाद लगातार अपने मैचेस जीत के आ रहे हैं, इनका मोराल और ज्यादा अप है। जीत के मामले में दोनों टीमें पिछला मैच जीती है तो वहां पर बराबर है। बैलेंस सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का ज्यादा बेहतर है। थोड़ी बहुत गेंदबाजी में दिक्कत किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को देखने को मिल सकती है इस पूरे मैच के दौरान, तो यहाँ पर एक दिक्कत किंग्स इलेवन पंजाब को हो सकती है। यहाँ पर चांसेस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं गेंदबाजी के मामले में जो सनराइजर्स है उनके। बल्लेबाजी में यार लगभग बराबर दिख रहा है, लेकिन गेल एक अंतर पैदा कर सकता है, गेल इस पूरे लाइनअप में अंतर पैदा कर सकता है। तो अगर गेल चल गए तो भाई किंग्स इलेवन पंजाब जीत सकते हैं, अगर गेल नहीं चले तो सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच को जीत सकती है। तो ये तो था भाई मैच प्रीव्यू। कैसा लगा प्रीव्यू फटाफट बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।